रेव पार्टियों में सांप के जहर की बिक्री से संबंधित एक मामले में रियलिटी टीवी शो बिग बॉस ओटीटी के विनर और यूट्यूबर एल्विस यादव के खिलाफ गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने केस दर्ज किया था। आरोप है कि रेव पार्टियों में नशे के लिए सांप के जहर का इस्तेमाल होता था। ऐसे में ये बहस छिड़ गई कि सांप के जिस जहर से लोगों की जान चली जाती है उसका इस्तेमाल नशे के लिए कैसे किया जा रहा है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक सांप के जहर का नशे के रूप में इस्तेमाल को लेकर बहुत ज्यादा अध्ययन नहीं किए गए हैं, लेकिन 2018 में इंडियन जर्नल ऑफ साइकोलॉजिकल मेडिसिन में एक रिपोर्ट छपी थी सांप के जहर का नशे के विकल्प के रूप में उपयोग। अध्ययन के मुताबिक भारत में नशे के लिए जानबूझकर सांपों से जीभ और पैर में कटवाया जाता है और इसके लिए कोबरा जैसे सांपों का इस्तेमाल ज्यादा होता है। सांप के कटवाने के बाद व्यक्ति को धुंधला दिखने लगता है, जहर से शरीर में तेज झंझनाहट होती है, बेहोशी छाने लगती है और उत्तेजना बढ़ जाती है। उसे नींद आने लगती है, जगने के बाद व्यक्ति ज्यादा उत्तेजना महसूस करता है और इसका असर कई दिनों तक रहता है। सांप का जहर अफीम या ड्रग्स जैसे नशीले पदार्थों जैसा ही नशा करता है। आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस तरह की रेव पार्टियों में शामिल होने वाली एक महिला ने बताया कि सांप के जहर का नशा 6-7 घंटे से लेकर 6-7 दिनों तक रहता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि इसकी कितनी मात्रा ली गई। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि सालों से नागा साधु और अघोरी सांपों से नशा करते रहे हैं। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक सांप पालने वाले व्यक्ति का कहना है कि कम जहरीले सांपों की एक बूंद जहर को अगर एक गिलास जूस या ठंडे पानी में मिलाकर पीते हैं तो उसका असर जहर की तरह नहीं होता। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अफसरों के मुताबिक सांप के जहर से पाउडर भी बनाया जाता है जिसे ड्रिंक्स के साथ मिलाकर पिया जाता है। इसमें भी सबसे ज्यादा इस्तेमाल कोबरा के जहर का होता है। इसका नशा कुछ घंटों से लेकर पूरे दिन तक हो सकता है। डिपेंड करता है कि नशे के लिए जहर की कितनी मात्रा ली गई। 2018 के उस अध्ययन में कहा गया कि रिपोर्ट किए गए मामलों में किसी की मौत नहीं हुई क्योंकि इसका इस्तेमाल करने वालों ने बहुत कम जहर लिया था। हालांकि अच्छी तरह से ज्ञात नहीं है कि जहर की कितनी मात्रा मनुष्यों के लिए घातक हो सकती है। इसीलिए विशेषज्ञों का सुझाव है कि सांप के जहर का नशे के लिए इस्तेमाल करने से न केवल लत लग सकती है बल्कि मौत भी हो सकती है। पार्टियों में जहां सामान्य ड्रग्स की एक गोली की कीमत 2,000 से 5,000 के बीच होती है, वहीं सांप के जहर से बनी एक गोली की कीमत 25,000 से भी ज्यादा होती है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1 ग्राम सांप के जहर की कीमत $120 यानी 10,000 के करीब होती है, लेकिन अवैध रूप से बेचे जाने वाले इस जहर की कीमत अलग अलग हो सकती है। नवंबर 2022 में वेस्ट बंगाल में सीमा सुरक्षा बल ने 2.14 किलोग्राम सांप के जहर से भरा एक जार पकड़ा था जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 17 करोड़ रुपए बताई गई थी। सांपों के जहर का वैध और अवैध तरीके से कारोबार चलता है। कानूनी रूप से सांप के जहर का इस्तेमाल दवाओं को बनाने में भी होता है।